Redmi Nardo 20 Pro। जी हाँ, आज की इस वीडियो में करते हैं अनबॉक्सिंग इसी डिवाइस का। वैसे अनबॉक्सिंग के साथ में हम काफ़ी सारी चीज़ें टेस्ट भी करने वाले हैं इस डिवाइस की, जैसे कि इस फ़ोन का चार्जिंग स्पीड, इस फ़ोन का बैटरी ड्रेन। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यह फ़ोन हमें देखने को मिलता है 65 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। जी हाँ, सुपर डॉट चार्जिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर हमें जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो भी MediaTek का हीलियो G95 है। जो डिस्प्ले है वो भी 90 हर्ट्ज़ के स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। तो वैसे कमाल का डिवाइस है। तो सारी टेस्टिंग करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए पहले करते हैं स्टार्ट अनबॉक्सिंग के साथ में। दोस्तों, बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हमेशा की तरह यहां पर हमें देखने मिलता है एनवलप, जहां पर दिया गया है ट्रांसपेरेंट बैक कवर और कुछ डॉक्यूमेंटेशंस। और इसके बाद हमें देखने मिल रहा है ये फ़ोन, जो कि हमारे पास अवेलेबल है ब्लैक कलर में। लेकिन इसको एक बार क्लियर रख देते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स के कुछ और कंटेंट। और दोस्तों, इसके बाद हमें देखने मिलता है इस फ़ोन का सबसे बड़ा की हाईलाइट फीचर। जी हाँ, सुपर डार्ट चार्जर, जो कि आता है 65 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। और ये पहला फ़ोन है जो कि इस प्राइस में आपको 65 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट दे रहा है। इसके बाद है एक डेटा केबल जो कि आता है टाइप सी पोर्ट में, और लास्ट में है एक सिम एजेक्टर टूल। और दोस्तों, ये है रियलमी की तरफ से आने वाला नार्जो 20 प्रो। अब अगर हम बात करते हैं इस फोन की डिज़ाइन की, तो ये आपको ग्लॉसी बैक पैनल के साथ में देखने को मिल रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। और वैसे ये थोड़ा सा अलग है Realme 7 से। हालांकि जो कैमरा सेटअप है वो बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलेगा, जो हैंड्स ऑन फील है वो भी लगभग सेम ही है, लेकिन वहाँ पर आपको एक मैट फिनिश देखने को मिल रहा था, जबकि यहाँ पे ग्लॉसी बैक फिनिश दिया गया है। वैसे जो बिल्ड क्वालिटी है ये कम्प्लीटली पॉलीकार्बोनेट बॉडी से बना हुआ है। और यहाँ पर आपको जो फ्रेम देखने को मिलते हैं, यहाँ पे भी आपको प्लास्टिक के फ्रेम्स ही देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है। चलिए मैं इस फोन को जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारी टेस्टिंग। तो दोस्तों, फोन कंप्लीट सेटअप हो चुका है और यहाँ पर हम देख सकते हैं फोन ऑन होते ही कि हमें Realme 7 जैसा ही देखने को मिल रहा है। जी हाँ, चाहे हम बात कर लेते हैं स्क्रीन साइज की, चाहे हम बात कर लेते हैं फ्रंट डिजाइन की, पंच होल डिस्प्ले की, या फिर बेजल साइज की, ये बिल्कुल Realme 7 की तरह ही हमको देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर जो वॉलपेपर यूज किया गया है, ऐसा ही वॉलपेपर हमें Realme 7 में भी देखने को मिला था। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ, बात करते हैं डिस्प्ले की। तो यहाँ पर हमें 6.5 इंचेस का स्क्रीन साइज देखने को मिल रहा है, और ये आपको मिलता है 90 हर्ट्ज़ के स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ में। तो स्मूथ डिस्प्ले है, नो डाउट, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक IPS पैनल देखने को मिलेगा, जो कि फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ में आता है। वैसे डिस्प्ले क्वालिटी आप देख सकते हैं, नो डाउट अच्छा डिस्प्ले है, कोई भी कंप्लेन नहीं है। काफ़ी अच्छे कलर्स हैं, काफ़ी ब्राइट कलर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जो व्यूइंग एंगल्स हैं वहाँ पर भी ये जो डिस्प्ले है ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, तो डिस्प्ले से कोई भी इशूज़ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों, यह फ़ोन भी काम कर रहा है Realme UI के साथ में, जो कि बेस्ड है Android 10 पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कैमरा की। तो यहाँ पर रियर साइड में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, जहाँ पे प्राइमरी सेंसर दिया गया है 48 मेगापिक्सल का। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर और बाकी के सेंसर 2-2 मेगापिक्सल के हैं। फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो ये आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का। और दोस्तों, यहाँ पर आप कुछ सैम्पल पिक्चर देख ही सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं ज़्यादा पिक्चर्स नहीं ले पाया, लेकिन मुझे लगता है कि कैमरे का फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी अच्छा था। पिक्चर्स हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही हैं। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम करने वाले हैं रियल टेस्टिंग, और इसीलिए आप देख सकते हैं जो औजार हैं वो आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं चार्जिंग टेस्ट, बैटरी ड्रेन टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है MediaTek का हीलियो G95 चिपसेट, तो उसका परफॉर्मेंस चेक करने वाले हैं। इसके अलावा चार्जिंग टेस्ट करेंगे और बैटरी ड्रेन भी करने वाले हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बैटरी है वो है 39%। और अब हम 1 घंटे के लिए यूज़ करने वाले हैं एंटूटू बेंचमार्क एप्लीकेशन को, Ulsfart 9 को और PUBG को, जिससे कि हमें 1 घंटे का बैटरी ड्रेन भी पता चल जाएगा और इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप 39% बैटरी देख सकते हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंटूटू बेंचमार्क एप्लीकेशन से, लेकिन पहले मैं आपको इसका जो टेम्परेचर है वो दिखा दूँ कि अभी करंट टेम्परेचर कितना है इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 32, 33, मतलब बैक में आपको 32, 33, 34 तक देखने को मिल रहा है। और स्क्रीन की तरफ से आप देख सकते हैं ये भी हमें लगभग सेम देखने को मिल रहा है। तो चलिए, जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर मैं स्टार्ट कर लेता हूँ इसको एंटूटू बेंचमार्क एप्लीकेशन से। यहाँ पर हमें स्कोर्स भी देखने को मिल जाएंगे और उसके बाद फिर हम करने वाले हैं इनका गेमिंग परफॉर्मेंस। और यहाँ पर दोस्तों हम टाइमर को स्टार्ट कर देते हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि मेरे रूम का भी टेम्परेचर है 26 डिग्री। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्कोर्स हमको देखने मिले हैं वो हैं 2,98,000, जो कि मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छे स्कोर्स हैं। जी हाँ, लगभग 3 लाख के बेंचमार्क स्कोर हमको देखने को मिल रहे हैं MediaTek के हीलियो G95 के। हालांकि यह फ़ोन थोड़ा सा गर्म ज़रूर हो चुका है। चलिए चेक कर लेते हैं इसका टेम्परेचर।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं 32-33 डिग्री था, लेकिन अब ये पहुँच चुका है 41 डिग्री तक। तो थोड़ा सा गर्म जरूर हुआ है बेंचमार्क टेस्ट करने में, और वैसे भी ये बहुत हैवी एप्लीकेशन है तो इतना गर्म तो मुझे लगता है कि होने ही वाला है, लेकिन अगर गेमिंग के साथ में गर्म होता है तो फिर थोड़े से इश्यूज़ आ सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। और अब हम करने वाले हैं पबजी गेम प्ले को स्टार्ट, करीब आधे घंटे तक प्ले करते हैं और फिर हम जाएंगे अल्फाट 9 तक। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ ग्राफिक सेटिंग कि यहाँ पर आपको स्मूथ के साथ में अल्ट्रा तक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बैलेंस के साथ में जाते हैं तो भी अल्ट्रा का ऑप्शन अवेलेबल है, और अगर हम जाते हैं HD ग्राफिक सेटिंग पे तो हाई फ्रेम रेट तक का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जो हम गेम प्ले करने वाले हैं वो होने वाला है स्मूथ के साथ में अल्ट्रा फ्रेम रेट पर। तो दोस्तों गेम प्ले अच्छा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ तरीके से ये रन कर रहा है। जी हाँ, अभी तक मुझे कोई भी फ्रेम ड्रॉप या फिर लैग देखने को नहीं मिला है, और अभी तक मुझे जो एक्सपीरियंस देखने को मिला है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और बढ़िया रहा है। अब चेक करते हैं इसको थोड़ा सा और लगातार खेल कर कि इसका परफॉर्मेंस हमें और कैसा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर लगभग आधा घंटा हो चुका है गेम प्ले करते हुए, और यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो परफॉर्मेंस था नो डाउट अच्छा था, कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि जो परफॉर्मेंस है वो वीक होता जा रहा है, जबकि मैं लगातार आधे घंटे से यहाँ पर गेमिंग कर रहा हूँ। लेकिन आप कह सकते हैं थोड़ा सा गर्म मुझे ज़रूर लग रहा है। अब चेक करते हैं इसका टेम्परेचर हमें क्या देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं जो टेम्परेचर है वो लगभग 45 तक पहुँच चुका है बैक साइड से, और अगर मैं स्क्रीन की तरफ से यहाँ पर चेक करता हूँ तो ये करीब 43-45 यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा गर्म ज़रूर हुआ है, और वैसे यहाँ पर हम 40 मिनट से इस पर हैवी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। चलिए अब बारी है अल्फाट 9 चला, तो परफॉर्मेंस से कोई भी कंप्लेन आपको देखने को नहीं मिलेगी रियलमी की नार्जो 20 प्रो से। अब यहाँ पर बैटरी चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं 20% का बैटरी रिमेनिंग है, और जब हमने स्टार्ट किया था तब 39% का बैटरी था, मतलब 19% का बैटरी ड्रेन हुआ है एक घंटे में, जहाँ पर हमने काफ़ी हैवी टेस्टिंग की है। तो इसका मतलब आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, लेकिन हाँ आप बहुत अच्छा बैटरी बैकअप नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर जो बैटरी है वो 45 mAh का है, और मीडियाटेक का हीलियो G95 ये 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी बेस है, तो बैटरी थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम होगा, और 19% का बैटरी यहाँ पर एक घंटे में ड्रेन हुआ है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पर हीटिंग की, तो अभी आप देख सकते हैं 42-43, मतलब ये थोड़ा सा कम हुआ है, पहले ही जो टेम्परेचर था 45 तक चला गया था, लेकिन अब ये थोड़ा सा कम हुआ है तो अच्छी बात है। तो नॉर्मल हीटिंग यहाँ पर हमें देखने को मिली है। अब चलिए अब मैं यहाँ पर ड्रेन कर लेता हूँ इसको 0% तक, और फिर हम चार्ज करने वाले हैं एक बार फिर से इसको 0-100%, और चेक करेंगे कि ये कितनी देर में फुल चार्ज हो जाता है। तो इसे मैं 0% तक करने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑन कर देता हूँ, जैसे ही 0% होगा फिर इसको चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फ़ोन कम्प्लीटली स्विच ऑफ हो चुका है, और अब हम इसे चार्ज करने वाले हैं इसके चार्जर से जो कि है सुपर डार्ट चार्जर, और ये हमें देखने मिलता है 65 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। तो चलिए मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इसको चार्जर के साथ। अब दोस्तों पहले आपको बता दूं कि जिस रूम में ये फोन चार्ज हो रहा है इसका टेम्परेचर है 26 डिग्री। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं टाइमर को और देखते हैं कि 0-100% चार्ज करने में कितनी देर लगती है रियलमी नार्जो 20 प्रो को। तो दोस्तों पहले 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं फ़ोन को चार्ज करते हुए, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 14% का बैटरी चार्ज हुआ है। जी हाँ, 14% चार्ज हुआ है 5 मिनट में। दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं फ़ोन को चार्ज करते हुए, और यहाँ पर हमको देखने मिलता है कि 25% चार्ज हो चुका है रियलमी नार्जो 20 प्रो। चलिए चेक करते हैं 20 मिनट के बाद हमें यहाँ पर क्या चार्जिंग स्टेटस देखने को मिलता है। और दोस्तों 20 मिनट हो चुके हैं कंप्लीट, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 50% चार्ज हो चुका है, मतलब 10 मिनट में ये 25% चार्ज हो रहा है। पहले भी हमने यही चेक किया था और अभी भी हमें ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है।
और दोस्तों अब हो चुके हैं 30 मिनट कंप्लीट और फोन चार्ज हो चुका है 74%। तो यह फोन 0% से लेकर अब तक लगभग सेम स्पीड से ही फोन को चार्ज कर रहा है। और अब दोस्तों यहां पर हम टेम्परेचर भी मेजर कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं 32-33 डिग्री, मतलब बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर के साथ में आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल भी गर्म नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं बात करता हूँ चार्जर की तो वो 39-40 तक गया है, लेकिन उसको भी आप बहुत ज्यादा गर्म नहीं कह सकते। चलिए अब चेक करेंगे 38 मिनट के बाद, जबकि रियलमी क्लेम करता है कि 100% चार्ज हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों 38 मिनट के बाद ये चार्ज हुआ है 92%। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि काफ़ी सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है चार्जिंग स्पीड, तो अभी चेक करते हैं कि कितनी देर में 100% चार्ज हो जाएगा। दोस्तों 42 मिनट हो चुके हैं, जब हमने यहाँ पे चेक किया तो ये 98% पे था, फिर हम इसको लगातार चेक करते रहे और 44 मिनट के बाद ये 100% चार्ज हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी टेस्टिंग में Realme Narzo 20 Pro 44 मिनट में 0-100% चार्ज हुआ है। तो बस दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।